सबको आवाज मेरी आ रही यस सर। है? यस सर। कैसे हो तुम लोग भाई, सब ठीक है? चलो यस पहले तो इसमें थोड़ा चेंज किया जाए ताकि कोई हमारा भाई अगर आएगा तो सीधा आ सकता है, बार बार उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये लो, हमने वेटिंग रूम हटा दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग भागते रहें और आते रहें, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये बार बार मुझे एंट्री देने और लेने की टेंशन ना हो, इसलिए मैंने यहां से वो हटा दिया। चलो डन। अब मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम सर कर रहे थे, सिक्स अच्छा, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम चल रहा था। ठीक, सीरीज बाकी है सर, स्टार्ट ओके, थोड़ा बहुत बाकी है सर। हम लोग यहाँ थे। अरे नहीं, तो दूसरा बेंच है। अरे छोड़ो यार, नया सुबह। तो हाइड्रोजन एंड स्पेक्ट्रम के बारे में बातें चल रही थी, हम उसे कंटिन्यू करते हैं। रिडबर्ग फॉर्मूला हो गया था लास्ट क्लास में? सर। ओके, रिडबर्ग फॉर्मूला हो गया था। तो हम लोग हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को कंटिन्यू, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें ये समझाया था कि जब हाइड्रोजन गैस को हम हीट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो पहले H2 गैस हाइड्रोजन एटम में बदलता है, और जब वो हाइड्रोजन एटम में बदलता है उसके बाद भी अगर हम हीट करते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अगर ग्राउंड में होता है तो वो एक्साइट होके किसी और शेल में चला जाता है, और जब वो किसी और शेल में जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, उस अब उस शेल में जाने से ऐसा है कि वो हमेशा तो वहां रहेगा नहीं। जब वो उस शेल में जाएगा तो फिर फाइनली उसको लौट के ग्राउंड आना पड़ेगा। मान लो फोर्थ चला गया, फिफ्थ चला गया, तो लौट के ग्राउंड पे आएगा। जब वो लौट के ग्राउंड पे आएगा तो अलग अलग टाइप के वेव रिलीज करेगा। सो हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस जिसको हम हीट कर रहे हैं वहां से बहुत सारे लाइंस निकल रहे हैं, उसको प्रिज्म से पास करवाया तो जो लाइंस थे बाहर जाके स्पेक्ट्रम में बदल गए। कुछ बहुत क्लोज क्लोज लाइन थे, कुछ दूर दूर थे, ऐसा करके अलग अलग लाइन लाइन बनने लगे, जिसलिए हमने इसका नाम रखा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और उसको ही हम समझ रहे थे। उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि वेवलेंथ के हिसाब से हमने उसको पूरा बनाया था कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, कहाँ है, और क्लोज क्लोज लाइन का मतलब क्या है, दूर दूर लाइन का मतलब क्या है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि शुरू में बहुत ही क्लोज लाइन वाली चीजें थी हमारे पास, बट बाद में हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम राइट गए हमें लाइन जो है बड़ी बड़ी दिखती रही। अगर आपको ध्यान हो, जो ग्राफ आपको मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, है ना, और उसमें मैंने ये कहा था कि ये वेवलेंथ पे बेस्ड है और उस हिसाब से बात हुई। जैसे लाइमन सीरीज की जो सीरीज की, जैसे ये देखो, ऐसे यहाँ पे मैंने जो लास्ट ग्राफ बनाया था, आपको ध्यान होगा शुरू में मैंने कहा था एकदम ऐसे पास पास करके एक लाइन है, फिर थोड़ी देर बाद जो है कुछ नहीं है, फिर थोड़ी देर में थोड़ा सा दूर दूर लाइन है ऐसे, उसके बाद जो है और दूर दूर लाइन है ना, और फिर मैंने कहा था कि और मतलब दूरी जो है और बढ़ा दो। So, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं हमको लाइंस के बीच का जो लेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे बढ़ेंगे आप तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके बीच का गैप भी बढ़ेगा। तो यहाँ जो लोग हैं इनकी वेवलेंथ कम है और एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच का गैप भी कम, लेकिन जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आगे चल के जो रेंज आती है अलग अलग, उसमें गैप भी बड़ा बड़ा है और वेवलेंस भी बड़े बड़े। क्लैरिटी आ रही है? अब हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी बातचीत आज करेंगे हम। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बात हो पाएगी। ठीक है, डन।
ये याद आ रहा है सबको? लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया तो बोलो जल्दी। ये मैंने बता दिया था, आज हम डिटेल में चलने वाले हैं, तो चलो लिखते हैं एक एक करके सारे सीरीज के बारे में। सो पहला जो आपने देखा था बहुत क्लोज क्लोज लाइन वाला जो था, पहले उसकी शुरुआत करते हैं। देखो ये जो सीरीज आया, ये बोर और उसके स्टूडेंट्स ने मिलके ढूंढा था। उसी में से एक स्टूडेंट थे लाइमन, क्या नाम था उनका? लाइमन। लाइमन ने बोर की मदद की थी और इसलिए बोर ने उनको वहां पे क्रेडिट भी दिया, ठीक है? क्लियर है? अब जल्दी देखो, करते हैं इसको जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश। अब समझते हैं लाइमन सीरीज में क्या क्या बातें हो सकती है, वो हम लोग एक ही करके समझते हैं। देखो एक बात तो सबको हमारी क्लास में समझ में आ रही है कि हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला डेवलप करा था, वो था रेड बॉक्स फॉर्मूला। क्या था रेड बॉक्स फॉर्मूला में? वो था आर जेड स्क्वायर, और क्या था बताओ? एन वन स्क्वायर और माइनस क्या था? ये फॉर्मूला हमें क्या सिखाता था ये बताओ? ये फॉर्मूला हमको सिखाता था कि हम एक जंप का, एक तरह का जो जंप होगा ऊपर से नीचे वाला, उसमें उस एक पर्टिकुलर जंप के वेवलेंथ, जो एनर्जी पैकेट निकले उसके वेवलेंथ को हम डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे। अब जानते हैं कि 1/लैम्डा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं बताओ? तो अपने को वेव नंबर मिलेगा। अब जब वेव नंबर मिलेगा तो उसको उल्टा कर देंगे तो वेवलेंथ ही मिल जाएगा। मतलब जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल में ऊपर से नीचे जंप करते हैं तो जो एनर्जी पैकेट निकलता है उसकी वेवलेंथ निकाली जा सकती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सीधा वेवलेंथ निकाला जा सकता है। हालांकि एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करने में जो एनर्जी निकाल सकते हैं वो भी फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, बट यहाँ वेवलेंथ मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि वेवलेंथ के बेसिस पे हम लाइन की पहचान कर पाएंगे कि वो किस टाइप की है। किस टाइप मतलब रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, क्या है, उसकी पहचान वेवलेंथ के बेसिस पे हो पाए। इसलिए हम सीधा इस फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे हमको सीधा वेवलेंथ मिलता है और उस बेसिस पे हम नेचर बता पाएंगे। किसका नेचर बता पाएंगे? लाइन का। किसका नेचर बता पाएंगे? सीरीज का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम समझते हैं सारे ऑप्शंस। अब देखो लाइमन सीरीज उसको कहते हैं जब एन वन की वैल्यू फिक्स हो और जंप सिर्फ वन पे हो। सोचो एन वन की वैल्यू मैंने फिक्स की, एन वन क्या था? जहां पर जंप होता था। सुन रहे हो? एन वन क्या था बोलो? जहां पर जंप, जहां पर जंप होता है वही एन वन है। एन टू क्या? जहां से जंप होता है। अब जंप कहां कहां से हो सकता है? एन वन इक्वल टू अगर वन है तो वन पे जंप कहां कहां से हो सकता है बताओ? एन वन के ऊपर जितने लोग हैं कहीं से भी जंप हो सकता है। तो बताओ मुझे एन वन के ऊपर कौन कौन है भाई? एन वन अगर वन हो तो वन के ऊपर कौन कौन है? टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक। यानी जंप अगर मेरे को वन पे कराना है तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, करेक्ट? सो एन वन की वैल्यू वन होगी तो एन टू की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। ये जो पूरा सीरीज बनेगा, अब यहां सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब लोग अपना अपना। एन वन की वैल्यू ये जो है, ये वाली चीज फिक्स है, ये वाली चीज क्या है, ये इनमें से कोई भी हो सकता है। तो डोंट यू थिंक लैम्डा की अलग अलग वैल्यू जाएगी? आएगी कि नहीं आएगी बोलो जल्दी? यस। तो जो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू आएगी उसको जब हमने स्टडी किया तो हमको एक जरूरी बात पता चला, वो जरूरी बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये बताओ सबसे कम एनर्जी कब निकलेगा? जब जंप सबसे करीब से होगा,
सो चलो मिनिमम एनर्जी फॉर मिनिमम एनर्जी चेंज, सबसे कम एनर्जी कब होगा बताओ भाई? अगर तुम्हें मिनिमम एनर्जी चेंज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, जंप एकदम पास से करना होगा, यानी मिनिमम एनर्जी जंप के लिए N2 की जो वैल्यू, N1 तो फिक्स ही है 1, लेकिन N2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2, क्योंकि सबसे पास से जंप होगा, करेक्ट? यस। अब यहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगा, यानी इस जगह पे डेल्टा ई जो होगा वो मिनिमम। तो जब डेल्टा ई मिनिमम होता है तो लैम्डा क्या होता है? मैक्सिमम, या हम अच्छी लैंग्वेज में लिखे तो इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि तुम्हें पता है कि डेल्टा ई इक्वल टू होता है एचसी बाय लैम्डा, उल्टा होता है, अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। सो अगर डेल्टा ई मिनिमम है तो लैम्डा जो होगा वो लॉन्गेस्ट होगा, और जब लैम्डा लॉन्गेस्ट होगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जो होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वही फॉर्मूला है ई इक्वल टू एच न्यू। सो ई ज्यादा होने से न्यू बढ़ता है और ई के छोटा होने से न्यू घटता है, मिनिमम होगा। सो दिस इज मिनिमम, बिकॉज एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगा अगर एनर्जी मिनिमम हो, और अगर एनर्जी मिनिमम है तो जो हमारा लैम्डा होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। क्लियर? बोलो। यस। सो ये पहली लाइन भी होगी, इसको तुम फर्स्ट लाइन भी कह सकते हो। अब बताओ, अब देखो यहाँ मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगा, उसकी थोड़ी बात हो करनी पड़ेगी। मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगा? मैक्सिमम एनर्जी जो चाहिए तो N2 की वैल्यू क्या लोगे बोलो? इनफाइनाइट, सबसे दूर से जंप करो, और जब ऐसा करोगे तो इस समय ऑफ कोर्स डेल्टा ई जो होगा वो मैक्सिमम होगा, लैम्डा जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, और जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो जो है वो होगा मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। सो बात समझ में आनी चाहिए। सो भैया देखो, 2 से 1 जो है वो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन को लोग अल्फा लाइन भी कहते हैं, ठीक है, और 3 से 1 जो है वो सेकेंड लाइन है लाइमन सीरीज का, इसको लोग बीटा लाइन भी कहते हैं। उसके बाद जो 4 से 1 है वो थर्ड लाइन है, इसको लोग गामा लाइन कहते हैं, और जो 5 से 1 है वो फोर्थ लाइन है, इसको लोग डेल्टा लाइन कहते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। क्लियर हुआ? अब सोचो मेरे पास पूरा का पूरा रेंज आ चुका है। रेंज क्या है? मुझे ये मालूम है कि मिनिमम जो, सॉरी, मुझे मालूम है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना है, उसके लिए मैं ये वाला, ये दोनों चीजें इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा और मुझे एग्जैक्ट लैम्डा मिल जाएगा। सो मेरे को पता है कि जब N2 की वैल्यू 2 होगी तो ये कितना है, फिर मेरे को ये भी पता है कि अगर मैंने N2 इंफिनिटी पुट किया तो मुझे ये शॉर्टेस्ट मिलेगा, यानी मुझे वेवलेंथ का पूरा रेंज मिल गया, मिनिमम टू मैक्सिमम मिल गया। बोलो। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास पहले से डेटा है कि भाई इस लैम्डा की वैल्यू ये होगी तो ये इस टाइप का होगा, ये होगी, उससे जाके मैच करूंगा। मैच किया तो मुझे पता चला भैया ये जो लाइमन सीरीज है इसका मिनिमम और मैक्सिमम को जो हम लोग चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि एक्चुअली ये जो लाइमन सीरीज है
इसमें मुझे अभी समझ आ गया कि अच्छा एक्चुअली हो क्या रहा है भाइयों, हो ये रहा है, क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि इसका जो नेचर हमको निकल के सामने आ रहा है, जो हम लोग चेक किए मिनिमम मैक्सिमम से हम लोगों ने चेक किया, तो हमको पता चला कि यहाँ पे जो नेचर है वो देख लो, नेचर जो है स्पेक्ट्रम का जो नेचर आ रहा है, नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम जो आ रहा है वो कुछ और नहीं होगा बल्कि होगा, लिख लो सब लोग, यूवी, अल्ट्रावायलेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं यूवी। लिखते चलते हैं। सो लाइमन सीरीज का नेचर जो है वो यूवी होगा, और ये हमको पता तब चला जब हमने मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ को चेक किया और मैच कराया जो मेरे पास पहले से था। ओके, यस, सर। सर मिनिमम एनर्जी के यहाँ लैम्बडा लॉन्गेस्ट कैसे होगा? ये तुमने बहुत रीजन, तुम उस वक्त नहीं थी जब मैं समझा रहा था, थी ना, तो तुम्हें फॉर्मूला दिखाया था तुम्हें, मैंने हाँ, एच सी अपॉन लैम्बडा, तो ई और लैम्बडा उल्टा नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? ओके हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक बहुत बड़ा होगा दूसरा बहुत छोटा नहीं होगा? नहीं, मैं सोच रही थी मिनिमम था तो लॉन्गेस्ट कैसे होगा, इसलिए लॉन्गेस्ट ही तो होगा एक, अगर ये अगर बहुत छोटा है तो ये बहुत बड़ा होगा ना? हाँ हाँ, उल्टा का मतलब क्या होता है? अगर ई बहुत छोटा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या होता है बताओ? हाँ, वो एक बहुत बड़ा तो दूसरा बहुत छोटा, एक बहुत छोटा तो दूसरा बहुत बड़ा, तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो लैम्बडा बहुत बड़ा होगा, लॉन्गेस्ट होगा, और मैक्सिमम होगा तो शॉर्टेस्ट होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, ओके, सो नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम हो गया अल्ट्रावायलेट, लाइंस के बारे में मैं तुम्हें जानकारी दे दी कि फर्स्ट लाइन कैसा होगा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन कि कैसे हमने बताया कि ये अल्ट्रावायलेट होगा, हमने मिनिमम एनर्जी निकाली, मैक्सिमम एनर्जी निकाली, मिनिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाला, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाला, और फिर उस बेसिस पे हमने मैच कराया तो हमें एक्सपेरिमेंटल समझ में आया कि अरे भाई इसका नेचर तो यूवी से मैच करे। ठीक, अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसकी लाइंस इतनी पास पास क्यों थी? देखो पहली बात तो यह है कि लाइमन सीरीज के जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं ना वो बाकी सीरीज के रेस्पेक्ट में सबसे बड़े होते हैं। सुना मैंने क्या कहा? लाइमन सीरीज के जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं वो जनरली बाकी सीरीज के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जैसे लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू और किसी सीरीज के फर्स्ट लाइन, वैसे ही लाइमन सीरीज का जो सेकेंड लाइन होगा वो किसी भी सीरीज के लाइन से ज्यादा बड़ा एनर्जी होगा। सो लाइमन सीरीज के पास मैक्सिमम एनर्जी पैकेट्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सीरीज, ठीक है? अब जब उनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उनका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो इनके जो लाइन्स होते हैं इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और इनके बीच का गैप ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कम कम होता है, मतलब उतना आसपास होता है, तुम चेक कर सकते हो। जैसे 2 से 1 पे आओगे तो गैप चेक करो, फिर 3 से 1 का गैप चेक करो, फिर 4 से 1 का गैप चेक करो, तो बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, इसलिए इनकी लाइन जो है पास पास होती है, वेवलेंथ जो है कंपेरेबल होती है, ठीक है? अरे हाँ, लेकिन आगे चल के देखोगे बामर में पाश्चन में ऐसा ना हो उनके गैप बड़े बड़े होते चले जाते हैं, और इस चक्कर में वेवलेंथ का जो लेंथ का जो गैप है बहुत छोटा होगा। अगर उनके लेंथ का गैप ज्यादा छोटा नहीं होगा तो उनको पास पास तुम लिख सकते हो, लेकिन अगर गैप बहुत बड़ा होगा तो उनको दूर दूर लिखना होगा, ऐसे ऐसे करके। दैट्स इट, ये स्टोरी है। सो मैं यहाँ पे एक खास बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि लाइमन सीरीज का जो एनर्जी लेवल है वो बामर पाश्चन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है ना। सो हमेशा डेल्टा ई जो होगा फॉर लाइमन सीरीज
delta E for Lyman series is greater than ऐसे लिखो लाइमन सीरीज इज हायर एज कंपेयर टू अदर सीरीज। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो कंपेयर करके देख लेते हैं। 2 से 1 पे जंप हाइड्रोजन में कराओ, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तुमको पता है ना फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है? कितनी होती है बोलो? 13.6। और सेकंड सेल की कितनी होती है? 3.4। गैप बताओ कितना हुआ? 10.2। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम 3 से 2 पे आओ भाई। अभी 1 के लिए फर्स्ट लाइन ये हुआ, तो 2 पे जंप करने के लिए फर्स्ट लाइन तो 3 से 2 हुआ ना। अब गैप चेक करो, बहुत ही कम होगा। फिर आगे जाके 4 से 2 का, 4 से 3 का गैप चेक करो, और छोटा होगा। 5 से 4 का गैप चेक करो, और भी छोटा होगा। तो अगर तुम फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन और बाकी सारे सीरीज में कंपेयर करोगे, तो हमेशा लाइमन की जो एनर्जी लेवल होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और कोई कंपेयर ही नहीं होगा बाकी सबसे इसका। ठीक चलो भाई हम बढ़ते हैं आगे ताकि सबको ये बात क्लियर। सो लाइमन के बाद, अब लाइमन सीरीज में कई बातें सामने आई। कोई तुमसे ऐसे ही पूछ सकता है मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन बताओ, कोई पूछ सकता है मिनिमम एनर्जी वाली लाइन बताओ, कोई कहेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, कोई कहेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ। रट जाओ, ये सब चीज तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक, अब लिखो सेकंड, देखो सब लोग, बामर सीरीज। सब लोग यहाँ देखेंगे बामर सीरीज, उसकी जरूरत है। एक सेकेंड होल्ड करना है, जस्ट 1 सेकेंड। अब देखो बामर सीरीज में कैसे शुरू करेंगे, ठीक है? बामर सीरीज कैसे करेंगे, ठीक है? बामर सीरीज करते हैं इसको। बामर सीरीज में जल्दी बताओ, अपने आप भरना शुरू करो। N1 क्या होगा? 2, है ना? बोलो अपने आप, अगर N1 की वैल्यू 2 हो, बोलो अगर N1 की वैल्यू 2 हो तो N2 की वैल्यू क्या होगी? 3 से 8। सिर्फ 3 होगी कि और भी कुछ होगा? 3 to infinite। सब लिखना होगा ना। Done? अच्छा, अब मैं एक और बात बोलूंगा। अब तुम लोग अपने आप, अब देखो पिछला वाला जो नोट्स मैंने लिखवाया लाइमन के लिए, जितनी जितनी जानकारियां लिखवाई, जितनी जितनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, वो सब हमको इसके लिए भी लिखना है। तो जरा ऊपर जाओ और एक एक चीज मुझे बताओ, एक एक करके। जिस तरह से वहां था वैसे चलेगा। सो मैं तुमसे पूछूंगा, तुम सब मुझे बताओगे, सब लोग तैयार रहेंगे। सबसे पहला सवाल, मैक्सिमम एनर्जी हमको, सॉरी मिनिमम एनर्जी हमको कब मिलेगा? When N2 is equal to 3। बहुत बढ़िया। और जहां मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा वहां पे वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टा होते हैं।
अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, अब यहाँ देखो सब लोग ध्यान से एक एक स्टेप लिखते हैं समझ समझ के। सबसे पहले बताओ फर्स्ट लाइन इसकी कौन सी होगी, बताओ फर्स्ट लाइन बताओ कौन सी फर्स्ट लाइन होगी? 3 से 2 ये इसकी फर्स्ट लाइन है, बोलो। अगर हम लिखना शुरू करें लाइंस की बात अगर करें उनके नेम पे अगर जाएं, तो सबसे पहली लाइन होने वाली है फर्स्ट लाइन। अरे यार तुम लोग लिख चुके थे ना लाइमन वाला पूरा पार्ट? यस सर। मैं लिखा तो कोई बात नहीं, यहाँ देखो तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सो दैट इज वी हैव दिस 3 2 दिस इज फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन को हम लोग अल्फा भी कहते हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा? 4 से 2 ये क्या होगा? सेकेंड लाइन बीटा, बीटा। फिर कौन सा है? 5 से 2 दैट इज थर्ड लाइन, थर्ड लाइन को हम लोग गामा भी कहते हैं, एंड इस तरह से 6 से 2 दैट इज फोर्थ लाइन, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। सो ये सब तो याद हो जाना चाहिए। अब जब N2 की वैल्यू होगी 3, सो उस समय जब N2 की वैल्यू 3 होगी तो सबको पता है ये बात कि उस समय डेल्टा E जो होगा वो होगा मिनिमम, क्योंकि सबसे छोटा गैप होगा, और जब डेल्टा E मिनिमम होगा तो वेवलेंथ जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ बिल्कुल उल्टा होते, सो उस वक्त ये होगा लॉन्गेस्ट। और ये अगर लॉन्गेस्ट है, बोलो भाई सब लोग, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम। मिनिमम सो N2 की वैल्यू 3 पुट करेंगे हम लोग रेड बॉक्स फॉर्मूला में, और हमको वेवलेंथ की एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको इसकी मिल जाएगी। इसी तरह जब हम N2 पुट करेंगे, बोलो भाई, तो एनर्जी मिलेगा हमको मैक्सिमम, लेकिन उस वक्त वेवलेंथ मिलेगा मिनिमम, और एट दैट मोमेंट हमारा फ्रीक्वेंसी जो होगा ये हमको मिलेगा शॉर्टेस्ट, और एट दैट मोमेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा बस डन। आसान है बहुत, कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ सबको? यस सर। आसानी से ये समझ में आ रहा है सबको? अब ये जब हम मुझे मैक्सिमम, अब मुझे दोनों वैल्यू मिल गई है, कौन कौन दोनों वैल्यू? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अब मैं इसके थ्रू नेचर बता सकता हूँ? यस सर। अब नेचर यहाँ ठीक से सीखना, तो नेचर जो है वो दो तरह के, ठीक है, ध्यान से देखो। स्टार्ट के जो चार लाइन है, कौन से चार लाइन है बताओ? जो अल्फा बीटा गामा लाइन है, अल्फा बीटा गामा लाइन कौन से हैं? पता ही है तुमको, तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा लाइन है ना, इन चार लाइन्स के लिए नेचर है विजिबल, सिर्फ इन चारों के लिए भेजो। देखो ज्यादातर लोग ना यहाँ गलती करते हैं, उनको लगता है बामर का मतलब विजिबल नहीं, बामर का मतलब सारी लाइन विजिबल नहीं होती, सिर्फ चार लाइन ही विजिबल हैं। कौन से? अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन और डेल्टा लाइन, मतलब 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से 2, सिर्फ यही चारों विजिबल हैं। इसके अलावा जो बाकी लाइन बच गए, बाकी लाइन भी तो है ना बहुत सारे भाई, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2 के बाद भी तो है ना, जैसे 7 से 2, 8 से 2, 9 से, ये भी तो चलेगा, ये जो है 9 to 2,
चेन टू टू, ये जो है ये सारे लाइन जो है ये यूवी में ही आते हैं। सो बामर एकमात्र ऐसा सीरीज है जिसमें दो तरह के वेवलेंथ चलते हैं, यूवी एंड विजिबल। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा अलग है बट सीखेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग इतना ध्यान नहीं देते, उनको बामर का मतलब विजिबल समझ में आता है, बट सच ये नहीं है। ठीक है, डन, आसान है, हम कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, किसी कोई दिक्कत ना हो, इतनी चीजें होंगी जिसपे हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन कर सकते हैं और ज्यादा मुश्किल नहीं। फिलहाल मैं एक दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ, इससे समझ में आएगा कि हम क्या बात करें। अब तुम सीख चुके हो कि कैसे बामर बनता है, सीख गया सब। अब तुम लोग आगे की लाइन खुद ही समझ गए पूरा। अब मैं लिखूंगा एक बार नाम, बाकी सब तुम लोग लिखोगे, खाली मैं तुमको क्या बताऊंगा पता है? क्या बताऊंगा? नेचर। बाकी सब तुमको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, थर्ड मेरे साथ पूरा क्लास लिखने वाला है, पाश्चन सीरीज। अपनी अपनी कॉपी में सब लिखेगा पाश्चन। पाश्चन के लिए बोलो N1 कितना लें? 3। सब लोग बोलेंगे ना 3। और N2 क्या लें? 4 to infinite। यस, 4, 5, 6, 7 कहां तक? Infinite। अब अगला लाइन, अब फर्स्ट लाइन कौन सा होगा पाश्चन का? अल्फा, 4 to 3 ये हो गया अल्फा। और सेकेंड लाइन कौन सा होगा? 5 to 3 बीटा। ऐसे ही अब तुम लिख सकते हो, सीख चुके हो, जरूरी नहीं कि तुम यहीं से लिखो, अपने हिसाब से फटाफट लिखो इसको। और ये हो गया 7 से 3 कौन सा लाइन? डेल्टा। आगे क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा? एनर्जी के लिए बात करते हैं, ठीक है। सो जब N2 की वैल्यू, सब लोग ध्यान देंगे, N2 की वैल्यू क्या होगी? 4। तो डेल्टा ई होगा मिनिमम और वेवलेंथ होगा लॉन्गेस्ट, फ्रीक्वेंसी होगा मिनिमम। फटाफट, और N2 की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। तो डेल्टा ई क्या होगा? मैक्सिमम। और तब लैम्डा क्या होगा? शॉर्टेस्ट। फटाफट काम करना है भाइयों। और ये क्या होगा? मैक्सिमम। चलो डन डन डन, सब लोग लिखो फटाफट, यहां तक सब पहुंच गए? यस सर, यस सर। क्लियरिटी है, बहुत आसानी से समझ रहे होगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सब लोग जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं चीजों को। अच्छा एक बात बताओ, अब आगे की बात तुम लोग खुद लिख लोगे, मैं सिर्फ नाम बता दूं। अच्छा इसका नेचर तो बताया ही नहीं भाई, इसका नेचर बताओ, नेचर क्या होगा? नेचर लिख देता हूँ, नेचर लिखो, इंफ्रारेड, सब लोग लिखेंगे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, अब सब लोग न्यू वाला मैं नहीं लिखूंगा, सब लोग अपने मन से लिखेंगे। ये तो लिख लो सब लोग इंफ्रारेड, आईआर, नेचर लिख लो आईआर।
सब लोग लिखो जल्दी जल्दी आईआर इंफ्रारेड, इसके बाद नेक्स्ट वाला लिखो फटाफट, एक सेकंड रुकना जस्ट। दो मिनट रह रहे, थोड़ा इंटरनेट जा रहा है, मैं इसको ठीक करता हूँ। डन, अब आते हैं लौट के। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अरे ये क्या हो गया यार, ये एक मिनट, आई आर कैसे लिखते हैं, इसका पूरा स्पेलिंग बताओ, लिख लो इंफ्रा रेड, सबने लिखा बच्चों? अब नया क्या बताने वाला हूं, अब नेक्स्ट बताओ कि सारे हो गए, इस पे सारी बात जो होगा कर लोगे, चलो पाश्चन हो गया, लाइमन हो गया, चौथा लिखवा रहा हूँ, चलो जल्दी से बताओ, लाइमन बामर पाश्चन, अब लिखवा रहा हूँ ब्रैकेट, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तुम लोग करोगे खुद, सब कुछ लिखो, बस मैं क्या बताऊंगा, नेचर, नेचर, चलो लिखो तो फटाफट, बाकी चीजें अपने आप सब लोग लिखेंगे, मैं सिर्फ नेचर बताऊंगा, हो जाए तो बताना। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक डन डन डन, हो जाए तो बताना ब्रैकेट फटाफट, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा ब्रैकेट के बारे में, नेचर, सारी क्लास खुद लिखेगी, ठीक है, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है बोलेगा मुझे, समय नहीं होगा हमारे पास, स्पीड में काम करना है हम सबको, किसमें, स्पीड में, वाह चलो, कितने लोगों ने लिखा, सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है, सबने लिखा, क्या क्या लिखा भाई, हाँ बहुत बढ़िया, चलो अब मेरा काम है क्या लिख देना, नेचर, क्या है नेचर, इसका भी नेचर है इंफ्रारेड, और मैं तुम्हें बता दूं कि आगे वाले सबका नेचर है इंफ्रारेड, तो अब मुझे नेचर भी लिखने की जरूरत नहीं है, आयर डन, इसका नाम तो ब्रैकेट, ब्रैकेट में जिन कोई ऐसा बच्चा जो नहीं लिख पाया, भूल गया, उन सबके लिए एन वन क्या होगा बताओ, जिन लोगों ने लिखा जल्दी से बोला, एन वन फोर, एन टू फाइव, अबे सिर्फ फाइव थोड़ा ना, पूरा ना, अच्छा स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग थी, हाँ हाँ, डेल्टा ई मैक्सिमम कब, जब एन टू की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, इनफिनिट, जब डेल्टा ई मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम, शॉर्टेस्ट, हाँ शॉर्टेस्ट, समझ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब आराम से ये बात सबको समझ में आ रही है,
और जब डेल्टा ई मिनिमम इनटू फाइव कितना फाइव और जब ये फाइव होगा तो लैम्डा जो होगा ये होगा हमारा लॉन्गेस्ट और फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम. सबको पता है और इस तरह से लाइन समझ रहे हैं हम लोग. इसका नेचर भी लिखेंगे हम लोग अगेन फिर से. नेचर पहले ही लिख चुका हूं. पर सब लोग रट गए. फर्स्ट लाइन मतलब पांच से चार. फर्स्ट लाइन कौन सा होगा पांच से चार. सेकेंड लाइन छह से चार. थर्ड लाइन बोलो बे सबको जल्दी जल्दी बोलना है. अब मुझे ईमानदारी से बताओ सिर्फ तीन चार बच्चे बोल रहे हैं बाकी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है. कुछ लोग टेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि मैं ना बहुत सारी चीजें ये मान के चल रहा हूँ तुम अच्छा समझ रहे हो. जल्दी करो बहुत जल्दी प्रॉब्लम ना हो जाए. स्पीड में भाइयों तेज हो जाओ. जल्दी तेज हो जाओ सब लोग. चलो बहुत बढ़िया. बहुत आसानी से हम लोग अच्छा कर सकते हैं बट थोड़ा सा ध्यान देने के लिए. चलो डन बहुत बढ़िया. बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एक एक करके समझेंगे और इस पे बात करेंगे. अब मैं आता हूँ नेक्स्ट. अब मैं सब लोग रेडी हो इस बात पे कि मैं खाली नाम लिख दूंगा बाकी चीजें तुम लोग लिख लोगे. सब लोग रेडी हैं. ऐसा ना कुछ लोग बाद में दुखी हो जाएंगे सुनिए क्या था. हम तो अपने नहीं लिखेंगे आप जो लिखेंगे पूरा पैसा वसूल करेंगे. आप लिखेंगे फिर हम लिखेंगे. नहीं है ना ये सोच. चलो लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट. अब मैं एकदम नया इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ. फंड नाम बताओ. फंड इसके आगे का सब लिखोगे तुम लोग. मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा. क्यों? क्योंकि नेचर भी क्या है इसका इंफ्रारेड. इंफ्रारेड सबका नेचर इंफ्रारेड है आईआर है. तो मुझे अब कुछ नहीं लिखना. सब लोग लिखेंगे. जल्दी लिखो. सब लोग लिखेंगे खुद ही. मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं. फटाफट भाइयों समझ में आ रहा है गेम. ओके सर डन. गुड सबने लिखा. डन सर. ओके सर एक मिनट रुको. चल भाई बहुत बढ़िया हो गया तुम लोग का. अब मैं थोड़ा सा स्पीड में बढ़ूंगा ताकि बहुत सारी बातें क्लियर हो जाए. फंड था उसका नाम. हम लोग पढ़ते फंड है और लिखते पी फंड है. उस पर ध्यान नहीं देंगे. अब लिखूंगा सिक्स. देखो ऑफिशियली तो इतना ही हुआ था. अगर मुझसे क्लियर पूछोगे तो मैं तुमको बताऊंगा. ऑफिशियली मेहनत इतना ही हुआ था और कुछ हुआ नहीं था है ना. लेकिन अगर जाओगे एक और साइंटिस्ट थे जो बोर्ड के स्टूडेंट नहीं थे. ठीक है वो बोर्ड के स्टूडेंट नहीं थे लेकिन उन्होंने इस पे आगे काम किया था. उनका नाम था हम्फ्री. अरे क्या नाम था बंधु. हम्फ्री. सो हियर इज हम्फ्री. हम्फ्री सीरीज. अब मैं सिर्फ नाम लिखूंगा आगे क्या करना है तुमको पता है ना. चलो लिखना शुरू करो फटाफट. हो जाए तो बताना. जिस महान बच्चे से ना हो मुझे बोलेगा. अनेबल टू अटेंड. अच्छा नेटवर्क था प्रथम को. अरे गजब लड़का ये तो जोश में एकदम.
सिक्स वाले का भी सेम वही करना है ना? बिल्कुल सेम करना है मेरे भाई, कुछ भी नया करने की फुर्सत नहीं यहाँ पे। बस सर इसका भी नेचर इंफ्रारेड ही होगा। बिल्कुल इंफ्रारेड ही होगा। ओके इशिता तुम क्या बोल रही हो? इट डज नॉट वर्क, मतलब फिर से लिखूं तुम्हारे लिए? इशिता व्हाट आर यू सेइंग? चलो भाई बाकी लोग हम प्री लिखो। बोलो इशिता, बोलना पड़ेगा यहाँ कि नहीं सर पूरा लिखिए आप मेरे लिए, बोलो। आई वॉन्ट टू लिसन दैट। अरे बोलो देखो भाई, पी फंड था बीच में। पी फंड में हम लोगों का क्या टेक्निक है? पी फंड में N1 की वैल्यू हम लोग लेते हैं, क्योंकि अब तक चल रहा था 4, तो अब N1 की वैल्यू हो जाएगी 5, N2 क्या कह लेंगे 6, 7, 8, 9, 10 एंड कहां तक? इनफिनिट। ये होगा पूरा, इसका जो फर्स्ट लाइन माना जाएगा वो माना जाएगा 6 से 5, दैट इज फर्स्ट लाइन, दैट इज अल्फा। सेकेंड लाइन जो होगा वो होगा 7 to 5, दैट इज दिस, ये होगा बीटा। एंड थर्ड लाइन गामा, और ये फोर्थ लाइन दैट इज डेल्टा। ऐसे बढ़ता रहेगा, लेकिन चार के नाम हम लोग जनरली याद रखते हैं। इसमें जो चीजें नॉर्मल जो हम लोग हमेशा करते हैं वो ये था कि हम लोग निकालते थे मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी। So, एनर्जी मैक्सिमम अगर चाहिए तो N2 की वैल्यू इनफाइनाइट लेनी होगी। जब ये इनफाइनाइट होगा उस वक्त हमारा वेवलेंथ जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, एंड इन दैट केस ये जो होगा वो मैक्सिमम। बोलो सही है ना? हाँ सर, वो इशिता का माइक है ना वो किसी का खराब है, इसलिए उसने आपको चैट में मैसेज किया है। अच्छा चैट में उसने मैसेज किया, चैट हम पढ़ नहीं पा रहे, माइक मैसेज है। तो क्या बोली थी, डजन वर्क का क्या मतलब है? अच्छा माय माइक डजन वर्क, ओके आई एम सॉरी यार मैं चैट पे, तुम ऐसा बोले डजन वर्क मतलब, अभी तो चैट में लिखती है ना कि सर हो गया। अच्छा तुम्हारा ये मतलब था कि माय माइक डजन वर्क ना, इसी था am I right? ओके अरे हमने मान लिया कि उसने बोल दिया समझदार लोग अपने काम की चीज ढूंढ लेते हैं, समझ रहे हो? So, jump 5 से है तो N2 की वैल्यू जब 6 करेंगे, लिख ही दे रहे हैं यार कितना मिनट लगेगा। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज बच्चे लिखे हैं, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो इट्स फाइन। सो यहाँ पे ये होगा लॉन्गेस्ट और ये होगा मिनिमम। जब तक बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं होगा ना यार, तब तक कल्याण नहीं होगा, सिर्फ टीचर के लिख देने से नहीं होगा। डन। और ये पूरी स्टोरी है जो सबको रखना है याद, इसका भी नेचर इंफ्रारेड ही होगा, दैट इज आईआर। डन डन डन। ठीक है, इसके बाद एक हम्फ्री भी आया था उसके लिए भी लिख देता हूँ जल्दी जल्दी,
हो सकता है कुछ और लोग दुखी हो जाए मुझसे। अरे बोलो कौन कौन नहीं लिख पाया अब तक, जो लोग लिख चुके हैं उनका मुझे समझ में आ रहा है, वो लोग बोलो जिन लोग नहीं लिख पाए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है लिख सकते हो। ठीक है बढ़ते हैं आगे यार। अब चलो नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अब हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब जस्ट लिख लिया और हमको याद आ गया, हमें याद रखना होगा कि लाइमन सीरीज कौन होता है, पूरी बात समझनी पड़ेगी। चल यार आसानी है, कर लेते हैं, सब लिखते रहो फटाफट। हम प्री सीरीज क्या लिखोगे, हम प्री में N1 क्या लिखोगे बोलो, बोल लिख चुका हूं वैसे तो सिक्स ना, पांच था ना N1, हालांकि हमफ्री बहुत बाद में आए थे, ये बेसिक बोर के जमाने के नहीं है, बट बाद में आया तो हमने लिख लिया, ऑब्जर्वेशन में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अगर ये मैक्सिमम चाहते हो तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, N2 मैक्स इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, और इसी वक्त लैम्डा जो है वो शॉर्टेस्ट होगा और फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम। सॉरी मैक्सिमम होगी, और जब N2 की वैल्यू ठीक ऊपर यानी 7 होगा तो डेल्टा ई जो होगा वो होगा मिनिमम। हमारा वेवलेंथ होगा लॉन्गेस्ट, फ्रीक्वेंसी भी होगी मिनिमम। रटले यार, नेचर इसका भी वही है। सो क्लियर हो गया कि आगे जितने भी लोग होने वाले हैं सबका नेचर वही होगा और उसका नाम होगा आईआर। सबको क्लियर हो गया? तो क्या तुम लोगों को लाइमन बामर पास्चन रैकेट फंड बेसिक्स समझ में आ गए? यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना काम तो हो ही जा रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा तुम लोगों के लिए और फिर उस हिसाब से बढ़ेंगे आगे। तो एक सेकंड रुको, जस्ट मैं वो पेज शेयर कर देता हूँ एक बार जिससे सबको क्लियर हो जाए। ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक बार ये आ जाए। ओके एक मिनट रुकना बस, क्वेश्चन पेपर एक बार जो डीपीटी है वो एक बार निकाल लें। Now, एक मिनट रुक जाऊ, मैं निकाला दूंगी।
देखो ये हम लोग शुरू कर लेते हैं पीपीटी। काफी सारी बातें हमने पहले भी की थी और मैंने आपको कहा था घर पे करना है। अब आगे बढ़ते हैं। चार बार तो हम लोगों ने किया था शायद, कुछ क्वेश्चन किया था हम लोगों ने सॉल्व इसके डीपीटी 4, 5, 6 ऐसा किया था क्या, याद है? Yes. हाँ सर, याद है। सर किया था। हाँ, क्योंकि मुझे याद नहीं। 4, 5 और 6 में आपने गिन चुन के क्वेश्चंस दिए थे। अब तुम फुल जो मन करे कर सकते हो, क्योंकि अब लगभग चीजें हम लोग कर चुके हैं। चलो आ जाओ सवाल करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम जो करेंगे सवाल वो है चलो पहला ही सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 1। एवरीबॉडी try to solve it. ये तुम्हारा डीपीटी 6 है, इससे क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना। पढ़ो एक बार जल्दी। बोलो आंसर क्या होगा। फर्स्ट वन एकदम बच्चों से सवाल है, बच्चों से आंसर है, जल्दी करो। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहा उसने। उसने कहा एक क्वेश्चन पढ़े, उसमें लिखा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू सी विद द नेकेड आई। नेकेड आई से तुम कौन सी लाइन देख सकते हो, कौन सा ऐसा सीरीज है जिसकी चीज है इसके लाइन को तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, बताओ कौन सा है। बामर सीरीज। एक ही है बामर सीरीज, बिल्कुल सही बात। तो सिर्फ बामर सीरीज ही पॉसिबल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन फॉर, तो बामर सीरीज में कितनी लाइन बनेगी तुम्हें ये सोचना है। तो जल्दी से बनाओ, बामर सीरीज में लाइन कौन कौन होगी जो दो पे जंप करे। अब दो पे जंप होने वाली लाइन कौन कौन होगी वो तुमको पता नहीं। If the only electronic energy level involved are those four in the figure. देखो, तो दो पे जंप कौन कौन करेगा बताओ। दो पे जंप करेगा 6 से 2, बोलो 5 से 2 और 4 to 2, 3 to 2। यही चार लाइन तो होंगे ना जो बामर के होंगे भाई हो। Yes, sir. बोल दे यार। Yes, sir. सही सही आंसर क्या है। कई लोगों का सही था, I'm happy with it. तो हम लोग ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं, बोलो। यस सर। ओके चलो मैं इसको बिठा रहा हूँ। डन, बहुत बढ़िया। ये पहला सवाल था जो सबको समझ में आया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, क्योंकि तो उसका समय है यही, बाद में पूछने का फायदा नहीं होगा। ठीक, है ना?
तो अगर किसी को ये लगता है कि सर हमें नहीं समझ में आया या हमको कोई भी दिक्कत है, यही वो समय है, तुम पूछ सकते हो। एक बार ये चीज आगे बढ़ गई फिर पूछने का कोई, चलो डन। सो अब मैं देता हूँ दूसरा सवाल जो सबको ट्राई करना है अच्छे से। नेक्स्ट, अब अगला जो सवाल है वो हमको करना है कौन सा करोगे? चलो आसान देना चाहता हूँ पहले, मुश्किल नहीं देना चाहता जान मुझको। चलो ठीक है, फोर्थ ट्राई करो। एवरीबॉडी विल ट्राई फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर, कैसे करेंगे बताओ? हाइड्रोजन लाइक सैंपल है, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में, पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट मतलब, अरे ग्राउंड स्टेट क्या होता है? वन, वन के ऊपर क्या हो सकता है? दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, ऊपर किसी भी स्टेट में है वो। ठीक है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन अप टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन आर इन पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, इफ इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन अप टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब वहां से जंप वो कहां तक कर पाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब समझते हो? दो पे। अरे बोलो, यानी एन वन की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी बताओ? दो। जंप वो सिर्फ दो पे कर सकते हैं। ओके, इट इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन अप टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन इट प्रोड्यूस मैक्सिमम 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। देन अभी बताओ कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ? मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन हायर सेल में कहीं है, N2 की वैल्यू नहीं पता, N1 की वैल्यू पता है 2। अब हमको नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला लगाना है और हमारा काम हो जाए। अब नंबर ऑफ लाइंस कितना है बताओ? 15। अब नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया हुआ है, वो फॉर्मूला अगर तुम समझ रहे हो तो फिर सारा काम हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था बताओ? समेशन ऑफ, तो बोलोगे N2 माइनस N1, तो ये 15 है। 15 का मतलब कितने का समेशन रहा? देखो याद करो, चार का समेशन था तो 10 होता था, बोलो भे। पांच का समेशन होता था तो 15 होता था ना। अरे यार, याद है कुछ नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला सिखाया था? हाँ सर। अब भूल गए हो यार तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि भूलने वाली बात ये है नहीं, अभी पढ़ाया कुछ दिन पहले। मैं क्या भूल रहे यार, ऐसे सोच के बताओ। नहीं तो भूलने वाला इसमें कुछ है नहीं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर। 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, इसका मतलब 15 लाइन। तुमको ये सोचना है कि यहाँ पे 15 है, दो तरह के फॉर्मूले थे, दोनों में से जो लगा लो तुमको जो ठीक लगे। मेरा तो आइडिया है कि बड़े आराम से हो जाएगा। तुम्हें बताना है कि 15 इक्वल टू होगा समथिंग समेशन, ये बताओ ये कितना समेशन होना चाहिए 15। जहां तक मुझे लग रहा है समेशन 5 जो होता है, 1+2+3+4+5, ये कितना होता है? ये 15 होता है ना, देखो तो। नहीं सर, 12। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर 15 लाइन निकल रहा है, इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि समेशन कितना लिया गया है, ये समेशन कितना रहा होगा 5। अब समेशन हो गया 5, यानी n2 माइनस n1 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 5। n2 अपने को निकालना है, n1 फिक्स है 2, 5। n2 की वैल्यू क्या हो गई 7। यानी जंप कहां से हुआ था, 6 नहीं 7, 5 हाँ नहीं नहीं अरे अरे 7 सॉरी वन सेकंड एक सेकंड बोलो सुनो हम देखो ध्यान से ये रुकना है देखो यहाँ पे जो मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ उसको समझो लिख रहा हूँ देखना बता रहा मुझे दिख रहा है कि तुम लोगों सेकेंड पे जंप करना है एन वन की वैल्यू कितनी होगी बताओ सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि एन वन कितना होगा बताओ 2 ठीक है एन वन होगा 2 और समेशन हो रहा है 5 तभी आपको 15 लाइन मिलेंगे इसका मतलब जंप हुआ होगा सो एन टू माइनस एन वन की वैल्यू हो गई 5 और इसलिए एन टू की वैल्यू यहां से आ गया 7 सो सेल नंबर 7 बिकॉज क्वेश्चन में एक्साइटेड स्टेट पूछ रहा है तो 7 का मतलब होगा 6th स्टेट सही कह रहे हो तुम लोग सो सही जवाब क्या होगा 6th एक्साइटेड स्टेट समझे नहीं समझे देख ले भाई एक बार सर शायद 7 होगा n2 की वैल्यू 7 आई ना हाँ सर एक्साइटेड स्टेट नंबर तो 6 होगा ना n1 की वैल्यू 1 तो 0 ग्राउंड स्टेट n1 की वैल्यू 2 तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n1 की वैल्यू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऐसे एक कम होता है ना n2 अगर 7 है तो एक्साइटेड स्टेट नंबर कितना होगा 6 ठीक है अरे बोल यार आंसर आंसर वो मैं बुक में कर रहा डन चलो ठीक है आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो 8 चलो देखो जल्दी 8 ट्राई करो ट्राई क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है चलो कुछ लोग आंसर बता रहे मुझे आंसर अच्छा अच्छा ठीक है ओके 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 रक्षित लेट मी सी क्या फॉर्मूला हमारा लगाते हैं कहाँ से जंप है
विनिर्माण में टू से जंप हो रहा है, फॉर्म लगे आप लोग हीलियम है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड टू का स्क्वायर जंप हो रहा है, मिनिमम वेवलेंथ एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू एल2। तो मिनिमम वेवलेंथ का तुम लोग को पता है, मिनिमम वेवलेंथ कब होता है, जब जंप ठीक, मिनिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम मतलब जंप कहां से हो रहा होगा बताओ, इंफिनिट। अरे बोलो, टू पे जंप हो रहा है, उसका मिनिमम तुमको बताना। तो मिनिमम वेवलेंथ कब होता है, जब एन टू की वैल्यू क्या होती है, बोलो, इनफाइनाइट। इसका मतलब 1 by lambda इक्वल टू हो जाएगा 4R। अब किसी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो नीचे भी हो गया 4, 4 से 4 कट, आंसर क्या होगा R। सो R इज द करेक्ट आंसर फॉर वेव नंबर। क्वेश्चन में उसने हमसे देख लो, सब लोग देखेंगे ध्यान से, वेव नंबर ही पूछा तो यही हमारा आंसर हो गया आर। सो आर आंसर इज आर, वन इज का आंसर। सब लोग देखो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत है तो तुम पूछ सकते हो, जल्दी बताओ। सर ये लास्ट स्टेप और एक बार करके बता, फॉर्मूला लगाया रेडबर्ग फॉर्मूला, क्या था रेडबर्ग 1 by n1 square minus 1 by n2 square। अरे सिखाया ना? Yes sir, सिखाया। Yes sir, yes। n1 क्या होता है, जहां पे जंप होता है, n2 क्या होता है, जहां से जंप होता है। क्वेश्चन में क्या है, जंप टू n2, n इक्वल टू 2, और मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ कब होगा, जब एनर्जी मैक्सिमम होगा, और एनर्जी मैक्सिमम किसी भी सीरीज में कब होता है, जब n2 की वैल्यू क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। दिक्कत क्या है, वही लाओ RS। देख लो भाई, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत है तो बोल यार, बाकी दम नहीं इसमें। मैं बढ़ता हूँ आगे, अगर सबको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन एकदम आसान था और हम लोगों ने आसानी से इसको सॉल्व किया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब थोड़ा अच्छा सवाल करेंगे, थोड़ा दिमाग पे लगाने वाले सवाल करेंगे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं वो है 9। एवरीबॉडी विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। चलो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। कहां से लग गया, सिक्स कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला, 9 ना, 9। ये चलो ट्राई, तुम लोगों को मॉड्यूल मिल गया है, अपना जो मॉड्यूल है मॉड्यूल सबको मिला है? हाँ सर मिल गया। तो उससे होमवर्क दूंगा करना, चलो ट्राई करो ना।
डन सबको। क्या सॉल्व कैसे हुआ? तो क्या कह रहा है, वेव नंबर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर अ गिवन ट्रांजिशन इज एक्स सेंटीमीटर इनवर्स फॉर हीलियम। तो पहले हीलियम ले लगा, 1/λ इक्वल टू आर। हीलियम के लिए जेड कितना लेंगे, 2 का स्क्वायर है ना, और हीलियम के लिए स्पेक्ट्रल लाइन है, एक ट्रांजिशन होगा कोई भी मान लो हीलियम के लिए है, मान लो ये कोई ट्रांजिशन है हीलियम। अब इसकी जो वैल्यू है वो उन्होंने बताया हमको, हाँ ठीक है देखते हैं रक्षित, इसकी जो वैल्यू है वो उन्होंने हमको बताया एक्स, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी की वैल्यू बेरिलियम के लिए अगर आप करवाते हो तो कितना, तो मान लो इसको मैं λ1 मानता हूँ, अगर बेरिलियम के लिए करवाते हो तो मैं इसको λ2 लिखता हूँ। तो बेरिलियम के लिए सब कुछ तो वही होता सिवाय इसके कि जहां पे उसने जेड लिखा 2 स्क्वायर वहां पे मैं क्या लिखता, 3 स्क्वायर। बोलो भाई दोनों में अंतर तो सिर्फ यही होता ना, और तो कुछ नहीं होता। देखो ध्यान से फिर बताओ, क्या इसको छोड़ के और कोई अंतर होता? अरे बोल दे भाई। नो सर। तो दोनों में अंतर यही तो है कि यहाँ पे 2 स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, बाकी सब कुछ वही। सो यही अंतर है, बाकी तो कोई अंतर है नहीं दोनों में, तो इसी को ध्यान रखना है अपने। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हम लगा सकते हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बेसिकली N2 की वैल्यू जानना चाहता है, और कोई बात नहीं है, N2 और N1 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो सकता है। ये कह रहा है कि दोनों के x की वैल्यू सेम है, ठीक है, सुन रहे हो? यस सर। वेव नंबर जो है x है, अच्छा, वैल्यू पर बेरिलियम एंड फॉर सेम ट्रांज, अच्छा, हमसे सिर्फ ये वेव नंबर पूछ रहा है इसका क्या होगा। ओके तो दोनों में क्या अंतर है भाई, ये 4 है, बेरिलियम का 4 होता है ना, आई एम सॉरी तो मैंने गलती की है अभी, ठीक है, ये 4 स्क्वायर होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, तो ये हो गया 4। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और तो कोई अंतर है नहीं। तो भैया ये जो ये समथिंग जो कुछ भी है वो 4 into something है, और ये जो है वो 16 into something, तो बाकी चीजें तो कॉमन ही है, सिर्फ यही है कि यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब साफ है कि अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा, 4x, और तो कोई अंतर नहीं है ना, बोलो। नो सर। अंतर जेड का है, एक का जेड 2 है, एक का जेड 4 है, तो यहाँ पे 4 नजर आ रहा है, यहाँ पे 16 होगा, जहां 4 यहाँ, यहाँ पे 16, बाकी तो वही है। और हमसे वो जो पूछ रहा है वो सिर्फ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है 1/λ की वैल्यू, वो हमसे लैमडा भी नहीं पूछ रहा है कि हमको कोई टेंशन हो, है ना। सो आसान था, आसानी से ये बात समझ में आ रही है कि अगर ऊपर वाली चीज x है, देख के पता चल रहा है कि अगर ऊपर वाली चीज x है, है ना, तो ये जो चीज होगी वो जरूर क्या होगी, तो सही जवाब लिख लो 4x, फटाफट। सब लोग ध्यान देंगे, अंतर सिर्फ एटॉमिक नंबर का होगा, बाकी किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, देखो न्यूमेरिकल अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से आना है ना, तो यहीं से आना है, उसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक से सीखना। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर वही कहते हैं,
नहीं अभी नाइन कहाँ किया था, अभी था सिक्स का नाइन, अब हम करने वाले हैं फिफ्थ का नाइन। देखो अच्छा चेंज, थोड़ा सा चेंज है। जल्दी करो, ये तो देख के आंसर आएगा भाई। सर ये तो इसमें बोलने का ही ना, बोलने का है बस। सो बामर सीरीज में स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रम में बताना है कि थर्ड लाइन कौन सा होगा, बामर का थर्ड लाइन कौन सा होगा बताओ भाई। सर फिफ्थ टू सेकंड ऑर्बिट, बामर की बात चल रही है तो थर्ड लाइन बताना है सबको। बामर में पहली लाइन कौन सी होगी ये बताओ। फिफ्थ टू सेकंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कौन सा होगा। फाइव टू टू, अब क्या ऐसे बच्चे सवाल के लिए भी बैठ के सोचोगे भाई। मैंने बताया, हाँ तुमने बताया, बाकी लोग तो नहीं बताए, यही आंसर सबको बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। चलो ठीक है डन, तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुमको आ रही है बात। चलो थोड़ा सा मॉड्यूल से कर लेते हैं क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आ। एक सेकेंड यार, शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ एक बार ये मॉड्यूल से भी कर लेते हैं दो चार सवाल। तुम लोग के पास ये मॉड्यूल है कि नहीं मुझे एक बार बता, आई एम श्योर होगा। है सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मैं एक बार जस्ट शेयर कर लेता हूँ ताकि सबको दिखे, यहाँ पर भी स्क्रीन पर दिखता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है बातें करना, तो फिर कुछ बच्चे देख पाते हैं कुछ बच्चे नहीं देख पाते हैं, वो एक लफड़ा होता है। तो ये हमारा मॉड्यूल था, मैं इसको आगे कर लेता हूँ। पहले तो मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो मोल और एटॉमिक एक साथ होगा, मोल तुम लोगों ने कर लिया पूरा? नहीं सर, हाँ मतलब हो ही गया पूरा, खतरनाक मतलब हो रहा है मोल। हाँ तो बोल नहीं रहे हो, मतलब सॉल्व हो रहा है धुआंधार? हाँ सर हो रहा है, हो रहा है। चलो तो हम आ रहे हैं, अरे खुल जा भाई। इसमें ना पार्ट है फाउंडेशन बिल्डर जो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं, उसमें ना टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ, देखो है ना, टॉपिक वाइज देखो दिया हुआ। जैसे इस टॉपिक में कौन सा टॉपिक है सब मेंशन। अभी हम जो जहां पहुंचे हैं, जो पार्ट हम कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके देखो, पूरा एक दिया हुआ है सब कुछ, दिया ना, ध्यान से देखो इसको, दिख गया सबको? यस सर। ओके भाई चलो, अब इसमें हम लोगों को बहुत सारे सवाल हैं जो ट्राई करने हैं एक एक करके। मैं आसान आसान सवाल पहले देता हूँ, फिर बड़े बड़े करेंगे, करना सब है। एक छोटा पहले शुरू कर लेता है फिर बड़ा। लॉन्गेस्ट समझ रहे हो तुम लोग, ये सब तो कर ही लोगे, आसानी है। क्वेश्चन
करो तुम लोग अभी 49 ट्राई करो एवरीबॉडी। चलो हेलो। हाँ जी बोलो। नहीं अभी तो ठीक चल रही है, अभी 1200 हुआ नहीं है, 1200 से 1500 का तो आ रहा। हाँ अभी जैसे होगा मैं बुक कर लूंगा, ठीक है। अभी याद नहीं है बट 1200 तो नहीं हुआ, ठीक है। थैंक यू। ठीक है सबको। दिमाग लगाओ, अच्छे से सोचो, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा अच्छा सोचो, देखते हैं कौन करता है। अच्छा तुम्हारे हिसाब से ए है, ठीक है अभी देखते हैं। रक्षित अच्छे से सोचो, मुझे लगता है ए हो। चलो मैं करता हूँ भाई, किसी से हो नहीं रहा तो मुझे ही करना पड़ेगा। चलो सो कैसे सॉल्व करना, देखो ध्यान से। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज पूछ रहा है, एक्स है। पहले लिखो 1/λ1, ये दिया हुआ हाइड्रोजन लाइमन सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर्मूला आर जेड स्क्वायर। लाइमन है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और ये कितना बोल रहा
शॉर्टेस्ट, तो यहाँ पे होगा शॉर्टेस्ट के लिए जंप कहां से हो रहा था, होता है बताओ, इंफिनिटी से होता है ना, देखो इंफिनिटी से जंप होगा। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू उन्होंने वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा बनती है, तो ये वाली चीज तो जीरो हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन के लिए तो जेड की वैल्यू भी वन होगा, यानी वन बाय लैम्डा वन इक्वल टू हो गया आर, और लैम्डा वन की वैल्यू दी हुई है एक्स, यानी आर की वैल्यू हो गई वन बाय एक्स। ध्यान से देखो, सही है? अरे बोलो सब लोग। हाँ सर, मैंने सीधा सॉल्व किया, आर की वैल्यू अपने को मिल गई, अब आगे इसका यूज कर लेंगे। अब अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि निकालना है, क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बावर से, तो बावर में आ जाते हैं, और वो भी किसके लिए, हीलियम। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है बावर सीरीज हीलियम के लिए, तो हीलियम का मतलब क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट जाना है बावर, तो यहाँ टू, और बावर लॉन्गेस्ट का मतलब होगा थ्री का स्क्वायर, सही है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होता है, जब उसके ठीक ऊपर वाला लेते हैं, पर बामर है तो एन वन टू हो गया, तो एन टू की वैल्यू कितनी रहनी पड़ेगी, थ्री। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना होगा सॉल्व करोगे तुम, देखो ये जो वैल्यू है इधर की, ये हो गया तुम्हारा फोर आर, और यहाँ हो जाएगा 36, हाँ, और ऊपर हो गया 5, से हो गया 20 R/36। अरे हुआ कि नहीं, सो यहां से लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, सो लैम्डा टू कितना होगा बोलो, लैम्डा टू अगर निकालें तो ये उल्टा हो जाएगा 36/20 R। अबे होगा कि नहीं होगा बोल दे यार, yes. तो होगा 36/20 R, क्योंकि 20 नीचे चला जाएगा 20 R, क्योंकि लैम्डा 2 को ऊपर लेंगे। अब इसको तुम लिख सकते हो 9/4 R। अब R की वैल्यू ऊपर क्या थी, 1/x, अरे थी कि नहीं, पुट करो, सॉरी यहां 5 होगा, 5 अब 9 की आर की वैल्यू 1/x, 1/x यहाँ लिखोगे तो x ऊपर चला जाएगा, सही आंसर होगा 9x/5। देख लो सब लोग, 9x/5 क्या हो गया, सबको क्लियर हुआ, सो यही सही आंसर है तुम्हारा। तो एक इंफॉर्मेशन से जब हम दूसरा इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो थोड़ा स्मार्टली सोचने की जरूरत है, हमने एक इंफॉर्मेशन से दूसरा इंफॉर्मेशन निकाल दिया, ध्यान से देखो, हमको लैम्डा टू निकालना था, किसका लैम्डा टू निकालना था भाई, बालमर सीरीज का लॉन्गेस्ट है, बामर सीरीज के बारे में यही हम करना चाह रहे थे। इसके लिए हमने R की वैल्यू जो लाइमन वाला जो X था उसके टर्म में निकाल लिया, और जब सही समय आया तो हमने R की जगह पे वो X वाली वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो X के टर्म में, और इस तरह से हमको ये आंसर, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता, डन। अरे बोलो, हाँ सर, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि इस पे सवाल आते हैं बहुत सारे, तो तुमको आना तो चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन ही था, डिवाइड इसको इरेज करूं, सबने लिख लिया, ये मैंने लाइमन के लिए लगाया था, यहां से मैंने आर की वैल्यू निकाली और उस आर की वैल्यू को लास्ट लिया, ठीक।
इरेज करूं इसे? सो ये कुछ कहानी चल रही है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं और बहुत सारा डिस्कशन हमारा चल रहा। मैं तुम्हें कुछ कुछ ऐसे सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़े मुश्किल हों, थोड़े अलग हों, पर तुम्हारे सामने आए तो कर पाओ, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दो, ठीक है? अब ये सब तो हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं। अलग सारे टाइप करा रहे हैं मुझे, मैं एक बार पूछ। नाउ अब देखते हैं, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोर्ड मॉडल भी किया था और लाइन स्पेक्ट्रम भी किया। अब हमारे साथ क्या दिक्कत है कि हमको दोनों ही पार्ट करने हैं, कि एक पार्ट किया दूसरा पार्ट नहीं करना है, करना हमको दोनों। तो प्रैक्टिस से हमको दोनों, देखो ये बोर्ड मॉडल का बेस्ट क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस तुमको घर पे करनी है, और उधर जो हम लोग सवाल कर रहे थे अभी वो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम पर बेस्ट, उसके भी क्वेश्चन करना सब है, ऐसा नहीं कि आधा करेंगे एक नहीं करेंगे। इसके भी सारे क्वेश्चन तुमको ट्राई करने हैं, करके और समझना है। थोड़ा सा कई बार कैलकुलेशन अजीब सा हो सकता है, पर अगर हम ट्राई करेंगे तो काफी सारी चीजें हम लोग को समझ में। तो मैं तो कहूंगा पहले हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम करना है, थोड़ा इजी है, फिर बोर्ड में भी धीरे धीरे ट्राई करोगे तो बहुत सारी चीजें तुमको समझ में। बोर्ड में मैं एक दो चीजें और यहाँ पे क्लियर करता चलता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, सब लोग ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन करते हैं 31 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 31 सामने बोर्ड पे बेस्ड है, बट कुछ कुछ बोर्ड के क्वेश्चन भी करने हैं, ट्राई करो 31 एवरीवन। चल भाई ट्राई करते हैं, कैसे करोगे देखो, और हम करते हैं इसको ट्राई। 31 बोला है मैंने करने के लिए, ठीक है? करो ट्राई, कैसे करोगे देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ध्यान से देखो, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ। अब दिक्कत क्या है कि जिस नोटेशन में उन्होंने दिया है उसी में उनको आंसर चाहिए, तो तुमको उसी में बात करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब तुम तो जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी में जो अमाउंट होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है, ठीक है? सो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, तो अगर हम फोर्थ सेल की टोटल एनर्जी निकाल लें तो वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, है ना? सो चलो फोर्थ सेल की एनर्जी निकाल लें। So, अगर हम फोर्थ सेल की एनर्जी निकालने बैठे हैं तो कितना आएगा बताओ? फोर्थ सेल की एनर्जी होगी, फॉर्मूला लगाते हैं, ये है हाइड्रोजन है, फोर्थ सेल हो जाएगा माइनस 13.6, या ई नॉट के टर्म में अगर लें तो ई नॉट बाई
अब इसने क्वेश्चन में फोर्थ ऑर्बिट बोला हुआ था, नॉट बाई फोर का स्क्वायर, यानी ई नॉट बाई 16, ये हो गया टोटल एनर्जी फोर्थ का, और साइन पलट देंगे तो यही हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड यही हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अपने को पता चल गया फोर्थ सेल। इसकी वैल्यू उन्होंने जो इन्होंने दिया हुआ है उस हिसाब से लिखेंगे, उसका अजीब सा लिखा हुआ ऐसा करके इसको हम ऐसे लिख देंगे, जो लिखे हो वही लिख देंगे, हमारा क्या जा रहा है। अभी कह रहा है कि देन टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एल आई टू प्लस, बताओ उसके लिए मुझे पहले ई नॉट इसके टर्म में निकालना पड़ेगा, तो बताओ ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 16 दिस, अरे बोलो लिख सकते हैं ऐसे, ई नॉट की वैल्यू 16 ई नॉट हो गया। अब फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एल आई टू प्लस पर आप फिर से फॉर्मूला लगाओ हाइड्रोजन के, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम के लिए करते हैं सब लोग, देखो जरा लिथियम, सॉरी लिथियम फॉर्मूला क्या है, ई नॉट लिथियम है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 3 का स्क्वायर, और फर्स्ट सेल ही कह रहा है तो यहां तो 1 ही का स्क्वायर होगा, ई नॉट तुमने अभी भी निकाला 16, सो 16 दिस इंटू 9, सो आंसर हो जाएगा 144 दिस। देखो ये सीधा तुम्हारा आंसर हो गया, सो एक इंफॉर्मेशन को उठा के हम दूसरे इंफॉर्मेशन में यूज करके अपना आंसर सिंपली निकाल सकते, क्लियर हुआ सबको, अरे बोलो। हाँ सर हो गया, सीधा सवाल है, लेकिन देखो अब देखने में अजीब लग रहा था, हमें लग रहा था ये क्या था, ये देख के हम डर गए, ये ऐसे देख के कि ये क्या था, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दें एक को दूसरे से रिलेट करें तो इतना मुश्किल नहीं था, हम लोग कर सकते थे मैक्सिमम, ठीक है। सो वी कैन ट्राई, वी कैन यूज आर ट्रिक्स, वी कैन यूज आर जो भी हमारे पास समझ है उस चीज को समझाने की, तो ज्यादातर सवाल आप कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा मुश्किल गेम नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में चल क्या, ज्यादातर बातें वैसे ही हैं, बहुत आसानी से समझ में आने वाली है, कोई बहुत बड़ा गेम यहाँ पे है नहीं, ठीक है। कई बार लगता है कि बहुत चीजें मुश्किल हैं या हमसे नहीं होंगी, बट आई एम टेलिंग यू बहुत ज्यादा गेम है नहीं, तुमको सबसे पहले ये एश्योर करना है कि तुमने जितनी चीजें पढ़ी है वो तुमको आती है, और जब तुम ये एश्योर करते हो ना तो ज्यादातर बातें फिर छोटी हो जाती, फिर तुमको लगेगा अरे ये तो हम कर ही सकते थे इसमें क्या। तो मेरा रिक्वेस्ट तुम लोगों से ये है कि जो फॉर्मूले सिखाए गए हैं, जो बेसिक बातें बताई गई हैं, उन पे टिके रहना है, मॉड्यूल से और डीपीपी से सारे सवाल हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम वाले और बोर मॉडल वाले, यानी जनरली जो डीपीटी 5 है और 6 है वो तुम ट्राई कर सकते हो, पिछली बार जो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन हटा लिए थे उसमें देख लेना, कोई दूसरे टॉपिक का हो तो नहीं, बट हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम वाले जितने सवाल है वो तुम कर सकते हो, मैं भेज देता हूँ एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन करने हैं, बट अपने को दो पार्ट में करने हैं, एक तरफ हम डीपीटी भी सॉल्व करेंगे है ना, और एट द मेन टाइम हम जो अपना मॉड्यूल है मॉड्यूल से भी सॉल्व करेंगे, मैं होमवर्क भेजता हूँ क्लास में ग्रुप में, मॉड्यूल भी ट्राई करेंगे डीपीटी भी ट्राई करेंगे, दोनों ट्राई करने वाले हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके सारे डाउट लेंगे, आई एम श्योर इसके बहुत डाउट आएंगे आपको, बहुत दिक्कत होती है सॉल्व करने में डाउट्स, अगली क्लास काफी सारे डाउट्स आपके लेके, और अगर डाउट बहुत निपट गया तो अगले दिन हम एक फ्रेंच साइंटिस्ट की कहानी शुरू करेंगे जिनका नाम था डी ब्रोगी। देखो पढ़ने वाले इसे ब्रोगली पढ़ते हैं, ब्रोगली नहीं पढ़ना है, फ्रेंच जो होते हैं ना, फ्रेंच लैंग्वेज अगर किसी को आती हो तो वो एल साइलेंट होता है उसमें, तो एल नहीं पढ़ते, इसका नाम होता है ब्रोगली लिखा हुआ है, बट इसको पढ़ना है ब्रोगी, क्या नाम है इनका, डी ब्रोगी। अगली बार हम समझेंगे कि डी ब्रोगी काफी चीजें जो बोर की भी गलतियां थी वो सब भी सीखेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनेंगे डी ब्रोगी की जो आइंस्टाइन और बोर के साथ मिलके बनी है, वो सब अगली क्लास में होगा, लेकिन उससे पहले मैं होमवर्क भेजूंगा ग्रुप में, वो सारे बच्चे ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं शुरू करेंगे, बिकॉज काफी बच्चे ऑलरेडी घूमने निकल पड़े हैं, जैसे ही क्वेश्चन डिस्कशन होता है बच्चों को लगता है हमारा काम हो गया, वो शायद भूल गए हैं कि तुम यहाँ मेनली क्वेश्चन के लिए आए हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही हमारा मेन पर्पस है, इन मैं देख रहा हूं जैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगता है, प्रैक्टिस होने लगती है, बच्चों को लगता है ये हम खुद कर लेंगे, एकदम गलत बात है,
रिक्शा तुमको नोट्स क्यों चाहिए यार, अभी तो सारा मैं बता ही रहा हूँ, तुमको नोट्स क्यों चाहिए, सब डिस्कस तो कर ही रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम लिख नहीं रहे हो क्या नोट्स? लिख रहे हैं। तो प्रिशा को नोट्स क्यों चाहिए, मुझे मैसेज करिए सर नोट्स भेज दीजिएगा, इतना आराम तलवी मत बनो तुम लोग यार, सर नोट्स भी भेज दें, रिकॉर्डिंग भेज दें, जब मानो घर पे पढ़ लें, इसी चक्कर में लोग ठीक से नहीं पढ़ते, उनको लगता है जो लोग भागते हैं ना, पता है तुम्हें क्या सोच के भागते हैं, कि मैं बाद में फिर बैठ के पढ़ लूंगा, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ कि बाद में भी बैठ के पढ़ लूंगा, ये अलग बात है कि ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि दोबारा बैठेंगे, उनके पास और भी काम है, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि बाद में बैठ के मैं पढ़ लूंगा, तो इसीलिए मैं कई बार नोट्स वोट्स नहीं भेजता जानबूझ के, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट मेरे क्लास के बच्चे नोट्स लिखें, उससे बहुत सारे फायदे होंगे, और ये इस भरोसे ना रहे कि नोट्स तो आ ही जाएगा, खराब से भी लिखेंगे तो चलेगा। हाँ ठीक है, ये बात सही है, जो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उनके लिए ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग रहेगा, देखता हूँ मैं कैसे करना है, ठीक है सबको, जिनको नोट्स चाहिए मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं उसको पर्सनल भेज दूंगा, मैं सबको नोट्स नहीं भेजना चाहता, क्योंकि ना नोट्स जाने का कोई मतलब नहीं है, बच्चे फिर पढ़ते भी नहीं है, कुछ लिखते ही नहीं, रिकॉर्डिंग जाना भी मैं तो सही नहीं मानता, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी देखते रहे तो उनको लगता है मैं घर पे रिकॉर्डिंग देख लूंगा, कोई रिकॉर्डिंग कभी नहीं देखता, जो सीखते हैं हम उसी वक्त सीखते हैं जब टीचर पढ़ाता है, इसके बाद 2000 चीजें कोई दोबारा पलट के नहीं देखता, वो बेकार जाता है, पूरा नलीफाइड, पूरा बकवास, वेस्टेज, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वही इंपॉर्टेंट। चलो एनीवेज नेक्स्ट क्लास यहीं शुरू करते हैं, होमवर्क भेजता हूँ सब लोग ट्राई करके आना, ठीक है, तो नोट्स वोट चाहिए मुझे मैसेज कर, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय बाय।